हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी कहीं भी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला है। काफ़ी सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं लगातार। अब जो एडमिशन है वो लास्ट मोमेंट पे है, एंडिंग पे है। बहुत सारे कॉलेजों के अंदर जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशली ऑफलाइन काउंसलिंग। अगर मैं बात करूँ जैसे कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट आया रिगार्डिंग द ऑफलाइन काउंसलिंग के, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर स्पेशली जैसे बी फार्मा जैसे कोर्सेज होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे हैं। तो कॉलेजों का यह कहना है कि हमारी जो ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो स्टॉप कर दी गई है। आप अपने ईमेल बॉक्स में चेक कर सकते हो, स्पैम फोल्डर में आपको भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों से एप्लीकेशन ईमेल वगैरह आया होगा रिगार्डिंग द एडमिशन कि हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है उसके लिए, जैसे आपको ईमेल आया है वहाँ पे लिखा रहता है कि अब जो है ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होगी, अब जो सारा प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगा। जैसे सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, एंड मैनी मैनी हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज आर अवेलेबल। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और आपको जो है बहुत सारे बच्चों ने उन कॉलेजों को सेलेक्ट नहीं किया तो उनको क्या करना पड़ेगा, कैसे पता लगेगा कि भैया इस कॉलेज का अपडेट आया कि नहीं आया, इसमें ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कितनी फीस लगेगी, क्या सारा प्रोसेस है। तो इसके लिए जो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो हमारी सीयूटी की पेड काउंसलिंग प्लान में भी इनरोल कर सकते हो, जिसको हम सीयूटी ब्रॉडकास्ट सर्विस बोलते हैं, जहाँ पे जो हम आपको सुबह शाम अपडेट देते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन कि किस कॉलेज में कितनी सारी सीटें वैकेंट है, किसमें कितनी भर चुकी है। आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, 24 hours आपको लाइव सपोर्ट भी दिया जाता है। हर एक कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कॉलेजों में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक कॉलेज बचा हुआ है जिसका भी जो अपडेट है वो 4 November को फर्स्ट UG का लिस्ट जारी किया जाएगा। और तो ऑलमोस्ट हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से अपडेट आ गया रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। अब आपको क्या करना है यार, अब आपको फिजिकली ऑफलाइन जाना होता है बहुत सारी कॉलेजों के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है जाने के अंदर सक्सेस नहीं है, सक्षम है नहीं, राइट। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि भैया ऑनलाइन की ऐसा सारा प्रोसेस है, राइट। तो इन सब के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर पेड काउंसलिंग प्लान में भी इनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको जो है एडमिशन 100% दिलाते हैं या फिर जस्ट ट्राई करते हैं एडमिशन दिलाने का। अब कुछ कॉलेजों की अगर मैं बात करूँ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मेघालय, मिजोरम, शिलोंग एंड उड़ीसा, ये जो जितने भी हैं यहाँ पे एडमिशन अभी एंडिंग पे चल रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट हुई है, बहुत सारे बच्चों ने सीट उनको मिली, उन्होंने फिर से छोड़ दी। अब आपको जो है तो सेकंड जो सीटें वहाँ पे बची हुई है वहाँ पे भी आपको एडमिशन का मौका मिलता है। जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कल मैं देख रहा था, 2-3 ऐसे मेरे बच्चे हैं जिनको हमने भेजा था कि वहाँ पे चले जाओ एडमिशन हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी बीवॉक वगैरह कोर्सेज में एडमिशन हो गया। आज हमको कॉल करके बोलते हैं कि भैया वहाँ पर तो ऐसे अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ऐसे वैसे हम एक साल के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब जो है वो सीटें वहाँ पे खाली रह गई और वो जो बच्चे हैं वो फीस पे नहीं करेंगे, राइट। तो वो सीटें तो खाली रही है, अब उसके लिए आपको HOD से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि भैया सीट बची हुई कि नहीं हुई है, बची हुई है तो आप वहाँ पे जा सकते हो ऑफलाइन। तो इन सब प्रोसेस के लिए जो है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जिस भी कॉलेज में आफ्टर द काउंसलिंग अगर सीट कोई बचती है तो आपको जरूर से बताएंगे कि भैया इस कॉलेज में इतनी सीट बची हुई है, इस कॉलेज में इतनी सीट बची हुई है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। होता 5 से 6 सीट ही मैक्सिमम ऐसे मान सकते हो, ऑलमोस्ट कॉलेज में जो सीटें हैं वो भर जाती है लेकिन कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, राइट। तो इन सब का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे और CUET के एडमिशन प्रोसेस के लिए लगातार आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।